इन दिनों खेत खलिहानों में बड़ी गहमा गहमी है। रबी फसलों की कटाई और कहाई का काम जोरों पर है। थ्रेशर का प्रचलन आजकल बढ़ने लगा है। थ्रेशर से गहाई करने पर कम समय और मेहनत में अधिक अनाज निकाला जा सकता है। घर के लोग ही मिलकर गहाई का काम पूरा कर सकते हैं। बाहर के श्रमिकों की आवश्यकता कम ही पड़ती है। दूसरी तरफ जल्दी से जल्दी गहाई करके उत्पादन को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है और समय से पहले बाजार में बेचकर अधिक लाभ भी लिया जा सकता है, ताकि खराब मौसम और बूंदाबांदी के कारण खुले में रखी फसल खराब नहीं होने पाए। इतनी सारी खूबियों के बावजूद कटाई और गहाई के काम में जरा सी असावधानी से भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनमें इंसान कई बार अपंग हो जाता है और जान तक चली जाती है। इनसे बचने के लिए थ्रेशर मशीनों का दुरुस्त होना जरूरी है। गहाई से पहले थ्रेशर की पूरी तरह जांच कर लें, देख लें कि उनका अलाइनमेंट ठीक है अथवा नहीं। कोई नट बोल्ट ढीला हो तो उन्हें भली प्रकार कस लें। बियरिंग और घूमने वाले पुर्जों में ग्रीस या मोबिल ऑयल देवें। बिजली की मोटर से यदि थ्रेशर चलाना है तो सभी तारों के जोड़ों पर टेप लगा दें। थ्रेशर के फीड ट्रफ की लंबाई कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो ऊपर से 50 सेंटीमीटर ढका हुआ होना चाहिए।